हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे एक बहुत यूनिक डिश है, इसे कहते हैं हवाई जार इन मणिपुरी, ऑल्सो नोन एज नाटो इन किनेमा। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन्स, नेपाल, भूटान, तिब्बत एंड एशियन कंट्रीज में ये बहुत सालों से कंज्यूम किया जाता है। ये एक्चुअली सोयाबीन है, इसे 2-4 घंटे के लिए पकाया जाता है, फिर 5-6 दिनों के लिए फर्मेंट किया जाता है। इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट है, ये बीपी, डायबिटिक एंड हार्ट डिसऑर्डर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। तो चलिए आज इसकी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हम हवाई जार स्क्रम्बल्ड एग्स बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए हवाई जार, प्याज, हरी मिर्च और काइव्स और कुछ अंडे भी। तो प्याज और हरी मिर्च को हम छोटे छोटे काट लेंगे, काइव्स को भी हमने काट के ऑलरेडी रख दिए हैं। काइव्स अगर ना हो तो आप प्याज के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर एक अलग से बाउल में हम सारे अंडों को तोड़ के फेंट लेंगे और उसे साइड में रख लेंगे। फिर पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए, गरम होते ही उस पे प्याज और हरी मिर्च ऐड कर लीजिए और साथ ही साथ हवाई जार भी ऐड कर लीजिए। हवाई जार का रेशियो सेम है, अगर एक अंडा आप यूज कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून आप इस पे हवाई जार आराम से डाल सकते हैं। वैसे अपनी अपनी पसंद है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ। 1 मिनट के लिए आप इसी तरह भूनते रहिए प्याज और हवाई जार को। फिर आप इसमें काइव्स भी डाल सकते हैं। काइव्स डालने के बाद थोड़ी देर और हम इसे भूनेंगे, एक अलग सी एक एरोमा निकलेगी और आप देखेंगे हवाई जार का कलर भी कुछ डार्क बन चुका है। तब आप इसमें फेटे हुए अंडे ऐड कर लीजिए। अब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और जिस तरह हम एग स्क्रम्बल बनाते हैं उसी तरह लो फ्लेम में इसे 1 मिनट के लिए स्लो कुकिंग करते रहेंगे, स्टर करते हुए। अब इसमें ऐड कीजिएगा नमक स्वाद अनुसार, और अगर तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, वरना ऑप्शनल है। इसे मिक्स कीजिए अच्छे से और ये रेडी है गर्मा गर्म चावल के साथ खाने के लिए, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।